Honorable member, House is adjourned up to 12:00. ये वो कुछ दृश्य हैं जो लगातार पिछले 6-7 दिनों से विमुद्रीकरण के मुद्दे पर लगातार जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं, बहस नहीं हो पा रही है, तमाम विधायी कामकाज है वो नहीं हो पा रहे हैं। और आज भी हमें जिस तरह से लोकसभा में देखने को मिला कि आज स्पीकर पे कुछ कागज फेंके गए सांसद के द्वारा, और जिस तरह से आज राज्यसभा में भी हमने देखा कि कैसे आज बहस शुरू हुई प्रधानमंत्री के आने के बाद, लेकिन एक बार फिर से गतिरोध की स्थिति रही। और ये वो दृश्य हैं जो लगातार दोनों सदनों से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से लगातार सामने आ रहे। लोकसभा में लगातार आज 6ठा दिन रहा, राज्यसभा में देखा जाए तो जो पहले दिन एक तरह से बहस शुरू हुई थी उसके बाद लगातार गतिरोध बना रहा। और ये तमाम दृश्य निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। लोकतंत्र की जो पूरी परंपरा है और जिस तरह से लगातार जो पूरी राजनीतिक बिरादरी है, पूरी जो संसदीय व्यवस्था है, उसको लेकर जो एक तरह से जनता के बीच में जो संदेश जाता वो भी एक बड़ा मसला है। और आमने सामने में आपका स्वागत है। और जिस तरह से दृश्य हमने आपको दिखाए हैं, निश्चित तौर पर ये बताता है कि आज हम बात करेंगे जिस तरह से लगातार लोकसभा में 6ठे दिन आज कामकाज नहीं हुआ, राज्यसभा में भी लगातार बाधा रही है। हालांकि आज राज्यसभा में बहस की शुरुआत हुई विमुद्रीकरण के मुद्दे पर, लेकिन उसके बाद जब भोजनावकाश हुआ, उसके बाद जब एक बार फिर से सदन बैठी, तो हमें वही पुरानी तस्वीरें देखने को मिली। और इन सब मुद्दों पर आज वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी बात कही और इस बात को सामने रखा है कि विपक्ष क्या बहस से भाग रहा है। आइए सुनते हैं। जनता तो स्वागत कर रही है जो काले धन और क्राइम मनी के खिलाफ सरकार ने कदम उठाए हैं, आक्रोश में सिर्फ विपक्ष लगता है, और इसलिए कुछ दिनों के लिए वो चर्चा नहीं चाहते थे। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट रवैया है, चर्चा हो, और जो जो कदम सरकार ने उठाए हैं और आज क्या वास्तविक स्थिति है और देश हित में सरकार ने जो कदम उठाए हैं सार्वजनिक जीवन को, व्यावसायिक जीवन को साफ सुथरा बनाने के लिए, सरकार स्पष्टता से उसको डिफेंड करेगी। और इसी तमाम मसलों पर आज हम चर्चा करेंगे। और उससे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से ऐसे बिंदु, वो कौन कौन से ऐसे मसले हैं जो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, मजबूर करते हैं। तो निश्चित तौर पर लोकसभा में लगातार 6ठा दिन जहां सदन बाधित रहा और विमुद्रीकरण पर बहस के लिए जो शर्तें जो और उस तरह की तमाम जो नियम है उसके तहत बहस करने की बात हो रही है, और 16 नवंबर के बाद लगातार सदन बाधित रहा है। राज्यसभा की भी बात कर ले, 24 नवंबर यानी आज पीएम सदन में आया और उसके बाद बहस शुरू हुई, लेकिन भोजनावकाश के बाद फिर से सदन बाधित हो गई। और देखा जाए तो महत्वपूर्ण जीएसटी विधेयक इस सत्र में पास होने, एकीकृत जीएसटी बिल, जीएसटी से जुड़े 3 विधेयक पास होने हैं और 1 अप्रैल से यानी अगले वित्तीय वर्ष से उसे लागू भी होना है। सरोगेसी नियमन बिल जिसपे काफी चर्चा रही है, तलाक संबंधी संशोधन बिल सदन में आना है और उसे भी पेश होना है, और कई महत्वपूर्ण विधेयक है। और इस पे भी एक बड़ी चिंता का विषय ये रहा है, और जिस तरह से देखा जाए कि जो विधायी कामकाज वो बिल्कुल एक तरह से रुक गया है। हालांकि सरकार बार बार ये कहते रही है कि हर मसले पे और विमुद्रीकरण के मुद्दे पे भी बहस के लिए तैयार है, लेकिन ये तमाम जो महत्वपूर्ण बिल आप देख रहे हैं इस पे जरूर जनता की उम्मीदें हैं, और क्या वो उम्मीदें कहीं ना कहीं बाधित हो रही हैं। सवाल यही है कि संसद में क्यों नहीं हो रही है बहस, देश सुनना चाहता हर मुद्दे पर, पक्ष विपक्ष के तर्क सुनना चाहता है, कौन क्या कहना चाहता है, क्या यह महत्वपूर्ण है कि किस नियम के तहत बहस हो, क्या यह एक मुद्दा है, कितना बड़ा मुद्दा है। और यह भी सवाल है कि कैसे ये विधेयक पारित होंगे जो महत्वपूर्ण विधेयक हमने आपको दिखाए हैं, और
क्या बहस को लेकर विपक्ष आश्वस्त नहीं है जिस तरह के आरोप लगते रहे, और एक आंकड़ा यह कहता है कि हर मिनट संसद की कार्रवाई पे 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, यानी जितना ज्यादा डिस्ट्रप्शन उतना ज्यादा आर्थिक नुकसान, और मानसून सत्र का भी हम देख सकते हैं जो बहुत अच्छा रहा था उस मायने में। और इन तमाम मुद्दों पर बहस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं वीरेंद्र कश्यप, सांसद हैं भाजपा की तरफ से, हमारे साथ शोभा ओझा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह जी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और शोभा जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। आज जब राज्यसभा में कामकाज शुरू हुआ, जब गुलाम नबी आजाद उठे बोलने के लिए, उन्होंने सबसे पहली बात यही कही कि हमें विमुद्रीकरण के मुद्दे पे कोई विरोध नहीं है। जब विरोध नहीं है तो बहस क्यों नहीं हो रही, संसद की कार्रवाई क्यों नहीं चल रही, जब सरकार के उस कदम पे विरोध ही नहीं है? तो देखिए, सरकार इसमें 2-3 मसले हैं। सरकार के जो कह रही कि हमने डीमोनेटाइजेशन क्या है, काला धन से लड़ने के लिए, तो ठीक है, सब सरकार के साथ है, काला धन से लड़ना चाहिए, करप्शन से लड़ना चाहिए, किसी को भी इस बात का विरोध नहीं है। मसला है कि डीमोनेटाइजेशन जैसे इतने बड़े कदम को किस तरह से इंप्लीमेंट किया गया। आज पूरे देश में इसी पे तो बहस होनी है शोभा जी, आज पूरे देश में वही तो कोहराम मचा हुआ है। आज किसान हो, आम आदमी हो, गृहिणी हो, बीमार हो, अस्पताल में लोग हैं, 70 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। उसी पे तो बहस होनी है, उसी पे तो सांसद लोगों की बातें सामने रखेंगे। पर साफ तौर पर जो विपक्ष मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में होना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए क्या विपक्षी दल कह रहे हैं, उसका जवाब उन्हें देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के पास समय है कॉन्सर्ट में जाने का, उसको संबोधित करने का, पॉलिटिकल रैली को संबोधित करने का, पर विपक्ष बार बार इतने दिन से मांग तो कर रहा है। बहस शुरू हुई, फिर आज प्रधानमंत्री जी राज्यसभा में थे, बहस शुरू हुई, पर प्रधानमंत्री जी पोस्ट लंच पहुंचे ही नहीं, तो बहस फिर हंगामा होगा। लोग चाहते हैं तो आप बहस के लिए नहीं, बहस की परिस्थितियों के लिए नहीं, नहीं प्रधानमंत्री जी को सुनना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी इस संसद से भाग नहीं सकते हैं। प्रधानमंत्री जी जो इतना बड़ा कदम उठाया है तो उस मामले में उनको संसदों से बात करना पड़ेगा। वीरेन जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इतना बड़ा कदम सरकार ने लिया है, और इसके लिए एक मैं कह सकता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी के जो पॉलिटिकल विल है वो नजर आई है। इससे पहले भी बहुत से प्रधानमंत्री क्यों कह रही है कि विपक्ष भाग रहा है बहस? नहीं नहीं, मेरा एक जो कहना है, कदम बहुत बड़ा है, और देश में जो काला धन है उसको बाहर निकालने के लिए, टेररिस्टों के खिलाफ जो पैसा आज लग रहा है, जो इतना भारी पैसा इकट्ठा करके और जो फेक करेंसी है उसको सारा बाहर निकालने के लिए इतना बड़ा कदम है। अब ये विपक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री आए, जब प्रधानमंत्री आते हैं तो बहस करते नहीं है, सब जगह यही बोल रहे हैं कि बहस के लिए हम तो कह रहे हैं फ्रॉम द डे वन, ठीक है, लोकसभा में भी कहा, राज्यसभा में भी कहा, हम तैयार हैं। पर जब तैयारी हुई, पहले राज्यसभा में चर्चा हुई फर्स्ट डे, पर सेकंड डे जो है वो उलट गए सबके सब। आपके हमारी लोकसभा में इसी तरह से हुआ, अभी कल जो है सारे विपक्षी दल के नेताओं को बोलने का अवसर दिया स्पीकर ने, परंतु उसके बाद हुआ क्या? अब प्रश्न ये है कि क्या पर्टिकुलर एक जो नियम के अंतर्गत बहस होनी चाहिए या बहस टोटल एज ए होल? तो हम तो बोल रहे हैं बहस कीजिए आप, बहस के लिए सरकार तैयार है जिस भी तरह से वो, हम आपके लिए, पर इस तरीके से कि प्रधानमंत्री आपके सामने बैठे रहे, प्रधानमंत्री को क्या और काम कोई नहीं है? इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? इसलिए प्रधानमंत्री जी तैयार हैं, जवाब देने के लिए सरकार तैयार है, फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री ने समय समय पर अपनी बात को रखा है, ठीक है, और इसमें इतना जरूर है कि विपक्षी दल को सामने आना चाहिए। विपक्षी दल के पास ये लग गया कि आज सारा देश मोदी के साथ है, सरकार के साथ है, जो ये कदम उठाया गया है काला धन को खत्म करने के लिए, जनता स्वयं जो है विपक्षी लोग कह रहे हैं कि हम इस कदम के जो है सहयोगी है, हम इसमें सहयोग करेंगे, पर किस तरह का सहयोग होगा? शोभा जी, जो सांसद साहब कह रहे हैं कि ये तैयार है, सरकार तैयार है, पर सरकार बस शब्दों में तैयार है, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं संसद में रह सकते? लेकिन जब प्रधानमंत्री मुखिया है, क्या उनकी जवाबदेही नहीं है? राज्यसभा में जब बहस शुरू हुई 16 तारीख को, उस समय कोई शर्त नहीं था, अगले दिन शर्त शुरू से ये है कि जेपीसी की मांग पहले दिन से है, जब ये फरमान जारी हुआ तुगलकी फरमान, और उसके बाद कई
सूत्रों से ऐसा पता लगा कि कुछ चुनिंदा लोगों को लीक हुई थी ये बात नहीं, और उसका फायदा उन्होंने उठाया है। ये सब जो है बहाने हैं, की मांग जो बहानेबाजी जो है कांग्रेस की बहानेबाजी है, ऑपोजिशन कर रहा है तो सरकार क्यों डर रही है? शोभा जी मैं तो यही कहूंगा कि सरकार क्यों डर रही है, और जब मनमोहन सिंह जी दो दिन लगातार बैठ के बात सुन सकते थे, उसका जवाब दे सकते थे जब आरोप यूपीए पे लगे थे, तो आखिर आज मन तो आप चाहते हैं वही मोदी जी नहीं, रामकृपाल जी आप स्थितियों को देख रहे हैं, क्या लगता है किनके तर्कों में ज्यादा दम नजर आ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहस शुरू हुई राज्यसभा में 16 तारीख को, बाधा रही, आज फिर शुरू हुई, फिर रुक गई, क्या आपको क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, इसलिए मेरा काम यह है नहीं, और अगर मैं ये कर भी सकता हूं तो नहीं करूंगा कि किसके तर्क में दम है। मेरा तो सिंपल एक नागरिक के नाते ये है कि अमूमन सभी पार्टियां इस बात पर एक मत हैं, इस देश का पूरा राजनीतिक दल सारे ही, कि काले धन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो किया गया है कदम अच्छा है, लेकिन जिस तरीके से उसे इंप्लीमेंट किया गया है उसके बाद जो जनता को तकलीफ हो रही है, तो सवाल अब उसका नहीं, सवाल इस बात का है कि जिस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया और आज जो तकलीफ हो रही है उसका निराकरण कैसे किया जाए। मैं आपको बता रहा हूं, आज 12-14 दिन हो गए, विमुद्रीकरण की बात मुझे मुझे उसके बात यह है कि जो सदन में हो रहा है मैं उससे क्या देश को, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, 12 दिन हो गए, जब इस बात पर सब एक मत है कि काले धन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो काम किया गया है वो अच्छा है लेकिन तरीका गलत है, तो 12 दिन से टीएमसी और आप पार्टी ने तो एक तरीका सुझाया कि आप जो नोट बंद किए थे उसको दोबारा चालू कर दें, लेकिन मैं बाकी पॉलिटिकल पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 12 दिनों में सिवाय कि मोदी आए और मोदी नहीं आए, वो लोकसभा में बैठे हैं, दाहिने बैठे हैं, बाएं बैठे हैं, मेरी बात सुने, इस डिजिटल इरा में जहां पर आप कहीं कुछ भी बोलते हैं, आप लाइव हैं, आपको हर तरह से देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, अगर बात यह हो कि मैंने जो कहा था वो आपको मालूम है कि नहीं तब तो एक अलग बात होती, लेकिन मुझे आपका चेहरा देखना है और फलाना चीज करनी है। मैं पूछना चाहता हूं कि 12 दिनों में 12 सुझाव भी अगर आए होते बाकी लोगों की तरफ से, इसको किस तरह से किया जाना चाहिए, तब मैं समझता कि ये सारा हंगामा 12 दिनों का, सारी पॉलिटिकल लड़ाई, माफ कीजिएगा उसमें मैं विपक्ष को और ये सत्ता पक्ष को भी शामिल कर रहा हूं, ये लड़ाई वाकई आम जनता के दुख दर्द से उपजी हुई लड़ाई है। अभी क्या हो रहा है, प्रेस इशू बन रहा है कि तेरी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि मैं तो अपनी कमीज सफेद नहीं कर सकता, तो तेरी कमीज को गंदा करने के लिए मैं थोड़ी सी मिट्टी डालना चाहता हूँ, ठीक है, सारी पार्टियां ये कर रही हैं और यही हो रहा है इतने दिनों से जो लोकसभा और राज्यसभा में चल रहा है, ठीक है। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि किसी ने एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव दिया है, ठीक है, बिल्कुल, और यही मुद्दा भी है शायद, और तमाम वक्ता यहाँ बोलना चाहते हैं। यहाँ पे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक के जब हम वापस आएंगे तो हम इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे कि जो रचनात्मक विपक्ष की बात, या कहें संसद जो सबसे बड़ी पंचायत कही जाती है, वहां पे क्या रचनात्मक और आगे सुधारात्मक उपाय और सुझाव क्या नहीं आने चाहिए, रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लगन से करे वो पूरा, बड़े बड़े सपने हो पूरे, कोई न रहे अधूरा, जो भी कर जी जान से कर, खुशियों की होगी बारिश। जीवन के सफर में जी जान लगा देने वालों का फोन जीवी। People think techies are chained to their desks. Not me. I run UAVs. You know, drones. I have to say, it's pretty awesome. I grew up playing video games. And who would have thought that'll help me defend my country? Not my mom at least. We get there first and see what's around the corner so that there are no surprises for the rest of the team. We go everywhere, working with the latest and the best technology, but no Facebook. We are India's most exciting workplace and we are making you an offer. The Indian Army. Live a life less ordinary.
बचपन में पेड़ चढ़ना अच्छा लगता था। बड़ी हुई तो सब चाहते थे कॉर्पोरेट लैडर चढ़ जाऊं। कुर्सी पर बैठे इनविजिबल सीढ़ियां चढ़ना नॉट माय स्टाइल। मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी और पहाड़ चढ़ना। एंड दिस इज द ओनली जॉब जो मुझे दोनों करने देता है। इट्स लोनली एट द टॉप बट द व्यू इट्स इनक्रेडिबल। हम है भारत के सबसे एक्साइटिंग वर्कप्लेस और हम दे रहे हैं आपको एक ऑफर। भारतीय सेना, आम नहीं ये जिंदगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आमने सामने में हम यही बात कर रहे हैं, जिस तरह से लगातार संसद में गतिरोध है दोनों सदनों में देखा जाए तो क्या इससे देश को नुकसान हो रहा है, क्या देश का जो राजस्व है जो 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 एक बड़ी राशि है वो जो खर्च हो रही है क्या ये देश को नुकसान हो रहा है, या जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था उस पर भी कुछ सवाल उठते हैं और जो राजनीति और राजनेताओं को गंभीरता से लेना जो जब ये मुद्दा आता है क्या ये भी एक मुद्दा है। वीरेन जी मैं ये जानना चाहता हूँ, लोकसभा की बात करूं तो जिस तरह से वहां मांग हो रही है कि कार्यस्थगन प्रस्ताव और एडजर्नमेंट मोशन के बाद बहस शुरू हो, सरकार कह रही है कि नियम 193 के तहत हो जिसमें मत विभाजन नहीं होता है, क्या ये जब सारे मुद्दे सामने आते हैं तो क्या जो मुद्दा होता है वो उठाने का उसका असर कम या ज्यादा हो जाता है? आप भी विपक्ष पे रहे हैं, कैसे अब इसको देख रहे हैं? देखिए मैटर ये नहीं कर रहा है कि किस नियम के तहत बहस करनी है, वैसे डिफरेंट डिफरेंट नियम है और सरकार ने कहा 193 के अंतर्गत आप बहस करो और उस बहस में सारी पार्टियों को समय मिल जाता है, हर मेंबर को अगर चाहे तो वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पर अब विपक्ष का ये रूल 56 के तहत जो है वो हो और फिर बाद में उसमें यानी वोटिंग हो जाए तो वो, अब ये मेरे समझ में नहीं आता कि लोकसभा में इट इज अंडरस्टूड कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के पास पूरा जो है वो बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत। अब वो इस बात को लेके कि नहीं इसी रूल के अंतर्गत हमको करना है, खड़गे जी ने पहले दिन कहा ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि बहस शुरू होनी चाहिए पर इसी के अंतर्गत होनी चाहिए। आज चाहे बीजेडी है चाहे आज शिवसेना है या आज हमारी अकाली दल है, ये सब पार्टियों ने कहा है कि 193 के अंतर्गत बहस शुरू करो, पर ये अब जो है विपक्ष खास करके मैं कहूंगा कांग्रेस जिसने इस देश में 60-65 साल तक राज किया और जिनके राज में ये काला धन जो है वो है। बना है, मैं ये कहना चाहता हूं कि इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि कांग्रेस जिस पार्टी आज बहस से ठीक है बहस से दूर भाग रही है, सरकार कह रही है सरकार बिल्कुल तैयार है, आज हम बिल्कुल तैयार है और बहस यही होनी चाहिए और उस बहस के अंतर्गत नियम की बात ना आए, आप बहस करो और बहस करने के बाद जो मुद्दा सामने आ जाए ये बताएं क्योंकि आज दुनिया आज सारा देश मैं ये समझ जो है देश जो है वो चाहता है शोभा जी का क्या पक्ष है, कौन सी पार्टी क्या बोलना चाहती है, ये होनी चाहिए। शोभा जी मुझे ये समझाइए कि अगर नियम 56 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव और बहस 11 बजे शुरू होती है या 193 के तहत बहस 12 बजे शुरू होती है तो उससे क्या फर्क पड़ जाए? देखिए जब विपक्ष अगर लोकतंत्र है तो ये कोई फासिस्ट राज तो है नहीं कि जो सत्ता पक्ष कहेगा वही होगा, जो आप गोपाल जी कह रहे थे और विपक्ष अगर किसी चीज की मांग कर रहा है पूरी स्थिति को बदलना चाहता है, अगर किसी चीज की मांग कर रहा है तो करवाने में क्या एतराज है पहली बात। दूसरी बात जो बार बार कहा जा रहा है कि विपक्ष क्या चाहता है ये पता नहीं है, विपक्ष साफ तौर पर आज किसान है, आज इस देश का किसान लेकिन वो कोऑपरेटिव बैंक नहीं आ रही, कोऑपरेटिव बैंक्स तक शोभा जी तो आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आज की तारीख में 4 लाख रोजगार अभी जिस दिन से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, तमाम चीजें ये तभी सामने आ रही जब लाख बेरोजगार हो चुके हैं, शुरू नहीं होगी जब तक पार्टियां अपनी खराब स्थिति को नहीं बताएगी। 70 लोग से ज्यादा मर चुके हैं जिनको श्रद्धांजलि देना भी सत्ता सही नहीं समझ रहा है। ठीक है रामकृपाल जी, एक बात जी मैं यही सवाल आपसे भी करूंगा, राज्यसभा में कुछ और बातें हैं लोकसभा में कुछ और, उसके बावजूद देखिए बहस नहीं करना चाहता है सत्ता दल, प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहते, प्रधानमंत्री सुनना नहीं चाहते, प्रधानमंत्री तो तैयार है फासिस्ट सरकार है, आप आइए बहस की तरह काम। बिल्कुल विपक्ष के आरोप और सत्ता पक्ष का जो जवाबी का है जो उनका जवाब है दोनों से
इस बात का कोई रिश्ता नहीं है कि जिस आदमी के पास नया नोट नहीं पहुंचा है कैसे पहुंचेगा, कितनी जल्दी पहुंचेगा। मोदी जी ने तो एक डेडलाइन दे दी कि 50 दिन का समय मुझे दे दो, ठीक है। होना यह चाहिए कि अगर उसको घटा करके कोई तरीका ऐसा होता है 25 दिन में यह हो जाए, क्योंकि एक बात तो आप सुन लीजिए, पुराना नोट अगर वापस भी करेंगे तो आप समझिए 4 महीने और लगेगा, क्योंकि वो नोट चले गए हैं और जितने एटीएम है वो नए ढंग से आधे एटीएम आ चुके हैं। बिल्कुल। तो आप इस कदम पर तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि आप पुराना लाइए, वो तो गया सवाल से। ये जो लोग बातें करते हैं उनको कुछ भी पता नहीं है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बारे में, ठीक है, क्योंकि एक बार रिकलेबराइजेशन जो हो रहा है, बिल्कुल, 2 लाख एटीएम में से 1 लाख का हो चुका है। प्रक्रिया को वापस लेने में भी उतनी मशक्कत। मैं बता, उस प्रक्रिया को वापस लेने का मतलब है कि अगले 150 दिन चाहिए, ठीक, इसलिए वो बात खत्म हो गई। अब एक ही सवाल सबके सामने है, अगर पॉलिटिकल पार्टी सत्ता पक्ष विपक्ष वाकई जनता का हमदर्द है कि नई करेंसी कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, कितनी जल्दी पहुंचे, ठीक बात। देखिए, कांग्रेस को भी पता है कि नई करेंसी छपने में अभी वक्त लगेगा, ठीक है। मोदी जी आज चाहे भाषण लोकसभा में आकर के दे दें, राज्यसभा में दे दें, सुन भी लें, तो उससे करेंसी तुरंत नहीं छप जाएगी। जो स्टेप उठाया गया है, जो स्थितियां हैं, उनमें आगे देखना चाहिए कि हाउ टू ईज इट, ठीक है। उसमें अगर एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव आता है इनका, इसमें जल्दी से, ठीक है, जब बस हमारा समय खत्म हो रहा है, जल्दी से पाल जी जो कह रहे हैं वो बात ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि करेंसी ओवरनाइट जो है छपेगी नहीं, ठीक है, इसमें समय थोड़ा लगेगा, बिल्कुल, पर ये बात ठीक है जो इन्होंने पहले कहे कि इन 12 दिनों में कम से कम विपक्ष के 12 तो सुझाव आ जाते हैं, बिल्कुल, और सरकार सुनने के लिए तैयार है, ठीक है, सुझाव अगर आते हैं, बिल्कुल, रचनात्मक सुझाव आपकी तरफ से, रचनात्मक सुझाव आएंगे, सरकार उसको मानने के लिए तैयार हो जाएगी, परंतु आप दो सुझाव दीजिए, 1,000 रुपए, 500 रुपए का नोट यूज करने दीजिए, कोऑपरेटिव बैंक को करा जाए, लोगों को 2,000 आपके ध्यान में होगा, अभी नाबार्ड के लिए ये तमाम तरह की कोशिश है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये कि जो एक पूरे राजनीतिक व्यवस्था पे सवाल उठता है। रामकृपाल जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बस आखिरी कमेंट, जो एक चिंता प्रधानमंत्री ने भी जताई थी जब सत्र शुरू हो रहा था, उससे पहले भी अलग अलग तरह से इस चिंता को उठाया जा चुका है, जब इस तरह का डिस्ट्रप्शन होता है तो क्या जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था है उसकी गंभीरता को लेकर जनता के बीच में संशय पैदा होता है क्या, और क्या अभी आप देखते हैं? देखिए, दो चीजें होती है, जनता एक बात को जानती है, जनता हमेशा से तकलीफ उठाती आई है, उसे थोड़े समय के लिए तकलीफ उठाने में नहीं है, सवाल है कि ये जो लड़ाई है कितनी ईमानदारी से लड़ी जा रही है, ठीक है। इस देश की जनता ने बहुत सहा है, ठीक है, और वो कतार में नहीं, वो तो गन्ने के जाड़े में, गन्ने के खेत में, वो 4 डिग्री टेम्परेचर जब रहता है तो नंगे पैर पानी में खड़ा होकर के गन्ने के खेत में रहता है किसान, इस देश के किसान के दर्द को सहने की नहीं बताने की जरूरत, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कितना ईमानदारी से उसके प्रति संवेदनशील है, ये चुनौती भी है हमारे देश के सबसे बड़ी पंचायत के सामने कि क्या जो बातें हो रही है, जो भी लड़ाई, जो भी पक्ष लड़ रहा है, क्या वो ईमानदारी से लड़ रहा है, यही शायद रामकृपाल जी जिस तरह से कह रहे हैं, और निश्चित तौर पर नजर होगी कि आगे किस तरह से चलता है और क्या व्यवस्था और जो तमाम जो कार्रवाई है वो सुचारू ढंग से चल पाएगी। फिलहाल आज समय इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ आने के लिए, शोभा जी आपका, रामकृपाल जी आपका आने के लिए, और आमने सामने में आज इतना ही, नमस्कार।